हाय गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कल ही रिलीज हुए एक ट्रेलर के बारे में। जी, एक मूवी आ रही है किल करके। जी, इसमें जो काम करने वाले हैं वो लक्ष्य लखवानी हैं, जिनको इससे पहले जो देखा गया था, जैसे कि और सीरियल आता था उसमें वो बहुत फेमस हुए, उन्होंने मेन किरदार किया, एंड चंद्रगुप्त में उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, एंड उनकी हसीना पढ़कर आई थी उसमें उन्होंने काम किया, जो कि श्रद्धा कपूर के मे बी हस्बैंड थे, उनका किरदार किया। एंड इसमें जो काम करने वाली लड़की है उन्होंने साथ में काम किया है, साउथ में काम किया। इसमें राघव जगवाल भी है। जी, इसके जो डायरेक्टर हैं वो है निखिल भट्ट, जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छी मूवी तो नहीं बनाई है जिनको मैं याद कर सकूं या आपको बता सकूं कि ये उन्होंने मूवी की है। छोटी मोटी मूवी की है, जैसे कि ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मूवी उन्होंने डायरेक्ट की है। अभी वो आ रहे हैं इस लड़के को लेकर जो कि सीरियल में काम कर रहा था, साइड में रोल कर रहा था, अब एक एक्शन मूवी के साथ आ रहे हैं। एक्शन इसमें ऐसा दिखाया गया है जैसे कि हम कोई जॉन विक की मूवी देख रहे हो। जी, ट्रेन के अंदर सीन है, एक कोरियन मूवी है जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान, उसमें भी ऐसा ही पूरी ट्रेन के अंदर ही शूट होता है। और ट्रेलर देख के मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें जो बताया गया कि दिल्ली से एक ट्रेन चलती है जिसके अंदर ये सब होता है। बताया गया स्टोरी में कि एक मेजर है, एक फौजी है, जिसके साथ कुछ होता है, एक लड़की को उठा लिया जाता है और ट्रेन के अंदर ही मारकाट हो रही है। स्टार्टिंग में ये नहीं लड़ता है, बाद में इतना लड़ता है कि हद से ज्यादा लड़ता है, दिखाया गया। इसमें जो राघव जगवाल है, मैं उनके बारे में ये कहूंगा कि यार कास्टिंग थोड़ी ठीक से करें आप, उनको मैं एज एन एक्टर नहीं समझता। एंकर तक ठीक है, कॉमेडी कर लेते हैं, वहां पे डांसर अच्छे हैं, बट एक्टर उनको एज ए मत लीजिए आप, क्योंकि साउथ को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं कि एक कॉमेडियन होना चाहिए हमेशा जो कॉमेडी करता है, नहीं, वो राघव जगवाल नहीं हो सकता, वो जॉनी लीवर नहीं बन सकते, या जो भी हमारे आर्टिस्ट रहे हैं जो कि कॉमेडी करते हैं वो किरदार प्ले नहीं करते, और सीरियस तो वी कांट एक्सेप्ट हिम। खैर, बहरहाल इस लड़के पे आते हैं, लक्ष्य पे। सीरियल में अच्छा करते थे, अभी भी लुक अच्छा ही लग रहा है, सीरियस लग रहा है, एंड एक्शन काफी अच्छा है। इसके जो प्रोडक्शन हाउस है वो धर्मा प्रोडक्शन है और एक और प्रोडक्शन हाउस है जो मिलके इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। धर्मा काफी अच्छी मूवीज दे रहा है रिसेंटली सबको, एंड लेट्स सी। ट्रेलर देख के तो मुझे अच्छा ही लगा, लेकिन उतनी होप्स या उतना मुझे नहीं मिला, क्योंकि किल करके बहुत सारी मूवी आई है, जैसे द किल थी, इसकी राधिका आप्टे की मूवी थी, किल वॉल्यूम करके हॉलीवुड मूवी है, किल वॉल्यूम 2 है, द दिल किल इनकी आई थी, रणवीर सिंह गोविंदा इन संघ की आई थी, तो किल नाम से बहुत सारी मूवीज हैं। देखते हैं ये मूवी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आप कितना एक्साइटेड है, जाके ट्रेलर देखिए। खून खराबा तो बहुत किया है गाइस, मारकाट बहुत हुई है, डायरेक्शन थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे इसके डायरेक्टर ने अपूर्वा डायरेक्ट की थी, इससे पहले इसमें आशीष थे, आशीष बनर्जी, जो कि मिर्जापुर में थे, कंपाउंडर का किरदार करने थे, और उसमें राजपाल यादव थे, वो मूवी भी अच्छी थी, उसमें भी ऐसे ही था, किलर थे, सीरियल किलर थे, एंड वो मार रहे थे एक लड़की के पीछे थे, सेम स्टोरी, एंड इसमें मारकाट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ट्रेन के अंदर के सीन है सारे अभी तक जो दिखाए गए हैं, एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा जाके देखिए, खून खराबा तो बहुत है। कुछ कुछ सीन बहुत अच्छे हैं, जैसे स्टार्टिंग में जब उस लड़के को चेन से घसीट के वो लेके आते हैं, वो सीन बहुत अच्छा है, वो आंख में चाकू गाड़ने वाला सीन, वो बहुत अच्छा है, एंड थोड़ा बहुत अच्छा है। एक्शन अगर आप देखना पसंद करते हो, एनिमल के बाद एक बहुत सारा एक्शन के साथ कोई मूवी आ रही है तो ये मूवी होगी, तो देखिए। फिलहाल चंदू चैंपियन रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, होप फॉर द बेस्ट। एंड मुंजिया ने 28 करोड़ का बिजनेस कर दिया गाइस अभी तक, चलो बहरहाल अच्छा है सबके लिए, अच्छा जा रहा है आपका जून, एंड जून में बहुत सारी अच्छी मूवीज रिलीज होने वाली है, ये जुलाई में रिलीज होगी, जुलाई 28 या 24 को, मे बी, डेट कंफर्म नहीं है मुझे। और खैर अभी इतना ही बात करूंगा, अभी पुष्पा से रिलेटेड कुछ बताने वाला था मैं, लेकिन उनकी भी डेट एक्सटेंड हो रही है मैंने सुना है, लेट्स सी। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, होप फॉर द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जाके देखिए, आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा, एंड देखिए मुझे उतना वाव नहीं है क्योंकि सब नए के नए हैं, जिनको हम मैं तो नहीं जानता, मैं सीरियल वगैरह नहीं देखता था, मूवी में भी इतना रिकॉग्नाइज मैंने लक्ष्य लखवानी को नहीं किया। आप देखिए, एंजॉय कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है देन कमेंट मी, लाइक मी एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।